भारत से कोसों मील दूर अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। अमेरिकी धरती पर फिर से होगी पीएम मोदी की खातिरदारी। अमेरिका में फिर से दिखेगी नए भारत की ताकत। अब की बार पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा होगा कितना खास। वक्र शनि के प्रभाव में पीएम मोदी करेंगे क्या क्या धमाके, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ आज मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। जी हां, जो इस महीने के आखिर में अमेरिका जाने वाले हैं। पीएम मोदी का अमेरिका का चार दिन की यात्रा रहेगी। 21, 22, 23, 24। सबसे दिलचस्प बात यह कि 17 जून को शनि वक्री हो जाएंगे और जैसे ही शनि वक्री हो जाएंगे, पीएम मोदी भारत से सीधा अमेरिका यानी कि अमेरिकी दौरे पर होंगे। और इन चार दिनों में पीएम मोदी अमेरिका की धरती पर कितना बड़ा धमाका करने वाले हैं, ये आज हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मयंक शर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे देखिए, क्योंकि इस बार पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा सबसे खास रहने वाली है। अमेरिकी कांग्रेसी संसद की तरफ से वहाँ की संयुक्त बैठक को पीएम मोदी संबोधित करेंगे, जिसके लिए वहाँ की संसद के स्पीकर की तरफ से उन्हें न्योता भी मिल चुका है। तो आइए मयंक जी से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा कितना खास रहेगा, बताइए मयंक जी। बिल्कुल, देखिए इस समय अगर पीएम मोदी जी की कुंडली की बात करें, क्योंकि हम कहना चाहिए राजनीतिक विश्लेषक तो नहीं है, और ज्योतिष के माध्यम से क्या ग्रह स्थिति बन रही है और उन ग्रह स्थिति के चलते क्या कुछ निर्णय हो सकते हैं या क्या कुछ बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि की है, शनि की ढैया से इस समय गुजर रहे हैं और मंगल की महादशा है, और मंगल में अगर बात करें तो गुरु की अंतरदशा चल रही है। समय बड़ा पावरफुल है, शनि की ढैया भी है, और इस समय अगर गोचर की बात करें तो उनकी राशि का स्वामी नीच होकर बैठा हुआ है, और साथ साथ शुक्र की स्थिति भी बनी हुई है यथावत, जो कि जब तक मोदी जी वहाँ US रहेंगे उस दौरान रहेगी। तो अगर ग्रहों की स्थिति को बात करें तो इस समय अचानक से अमेरिका की जो यात्रा बनी है, ये कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र संकेत दे रहे हैं शनि और राहु के चलते कि कोई बहुत बड़ी योजना बनाई जा सकती है भविष्य में, भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर कोई बड़ी डील हो सकती है, या विश्व स्तर पर एक आपको बड़ा याराना देखने को मिलेगा भारत और अमेरिका का। इस बार कुछ ना कुछ बड़ा ज़बरदस्त नए अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे, जिससे दोनों देशों के लोगों को, खासकर जो अमेरिका में भारतीय लोग रह रहे हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और इंडिया के लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा भविष्य में अमेरिका के लिहाज से मिलेगा, जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं। क्योंकि शनि कुंभ राशि में है, वक्री ज़रूर है, लेकिन जनता को लाभ यहाँ अच्छी तादाद में देंगे। मयंक जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब जब पीएम मोदी बाहर जाते हैं तो यहाँ बैठे हम भारतीयों को गौरवान्वित महसूस होता है। जी देखिए, ऑस्ट्रेलिया गए, जब ऑस्ट्रेलिया ने पीएम मोदी को बॉस बताया, विश्व गुरु बताया, तब हमें बहुत अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ हमें। फिर जब न्यू गिनी गए, पापुआ न्यू गिनी, तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जब पीएम मोदी के चरण उन्होंने स्पर्श किया, उनका आशीर्वाद लिया, तब हमें बहुत अच्छा लगा। और अब जब अमेरिका जाएंगे, अमेरिका की जो वहाँ की अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है अमेरिकियों के बीच उनको संबोधित करना, और वो भी एक भारतीय का, तो वो भी हमें महसूस होगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब जब बाहर जाते हैं तो हम हिंदुस्तानियों को यहाँ गौरवान्वित महसूस होता है, गर्व वाली फीलिंग आती है, इसके पीछे का क्या ज्योतिष कनेक्शन है? देखिए, कहीं ना कहीं जो आपके राष्ट्र का अध्यक्ष होता है ना, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। भारत में क्या है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो सभी बड़े निर्णय लेते हैं और अंतिम फैसला राष्ट्रपति करते हैं जी। उनकी मंजूरी से होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री जो प्रधान है, वो जो डिसीजन लेंगे उसका पूरे विश्व की राजनीति पर असर पड़ेगा, और भारत के साथ जो पड़ोसी देश हों या दूर के
जो देश हो जिनके साथ मित्रता है, किनके साथ बढ़ानी है, किनके साथ रिश्ते जो खराब हुए थे वो बेहतर करने, ये सब कुछ जो है प्रधानमंत्री के हाथ में होता है ना। देखिए मोदी जी की बात अलग है, अगर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जब बाहर जाते हैं तब पाकिस्तानी को शायद इतना गर्व महसूस ना होता हो, लेकिन हम भारतीयों को सबसे ज्यादा होता है। इसके पीछे का लॉजिक जानना। देखिए मैं यही इसी पॉइंट पे आ रहा था कि इसके पीछे है नरेंद्र मोदी जी के घरों की स्थिति, कि कहीं ना कहीं शनि और मंगल इतने जबरदस्त हैं कि जो उनको कहना चाहिए वर्ल्ड का नंबर वन एक लीडर बनाते हैं। शनि मंगल की पावर, जी शनि मंगल की पावर इनको बहुत ऊर्जा देती है कि ये 24 घंटे में, अब आप देखिए कि ये 17-18 घंटे काम करते हैं और इनकी लोकप्रियता में इजाफा होता है। और कहते हैं ना कि व्यक्ति जब कोई बड़े अच्छे निर्णय लेता है अपने देश में, इन्होंने गुजरात का मॉडल लेकर ये केंद्र में प्रधानमंत्री बने और केंद्र में इस समय जो कार्य हो रहे हैं, जो चर्चाएं पूरे विश्व में हैं, वो पूरा विश्व देख रहा है, नए भारत को देख रहा है, उभरते हुए भारत को देख रहा है। तो इसका असर जो है जो विश्व के और भी बड़े देश हैं उनके ऊपर बड़ा सकारात्मक पड़ता है कि भारत अपने देश में कोरोना काल के दौरान से जो तरक्की भारत ने करी है, जो कद बढ़ा है वो विश्व के इन देशों का, अमेरिका, ब्रिटेन या अगर यूरोपियन कंट्री है उनका घटा है। बिल्कुल, वहां मंदी आ चुकी है, वहां आर्थिक स्थिति डामाडोल है और भारत में जो है तेजी से भारत जो है वर्ल्ड पावर बनता जा रहा है और आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत हो रही है, GDP बढ़ रही है। तो ये सब चीजें पूरे विश्व में देखी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी ग्रह स्थिति उनके निर्णय तय करते हैं। देखिए निर्णय कैसे लेते हैं, बढ़िया, क्योंकि कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, ग्रह नक्षत्र हमें नए फैसले करवाते हैं और बड़े सकारात्मक फैसले करवाते हैं। अब यही वो ही मोदी जी की सरकार है। अब हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति बड़ी ज़बरदस्त है, भारत जो है किसी भी स्तर पर दबता नहीं है। अभी विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बड़े स्टेटमेंट दिए, विश्व के किसी नेता के साथ डिबेट हो रही थी तो वहां पर भी उन्होंने खुलकर अपना पक्ष रखा और बोला कि अब हम दबाव में नहीं रहेंगे जी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। तो विश्व के जो बड़े देश हैं, अमेरिका है और रशिया तो भारत का मित्र ही है, चाइना को मान लीजिए या यूरोपियन कंट्रीज को मान लीजिए, UK को मान लीजिए, तो उन लोगों के समझ में बात आ गया है कि भारत अब जो है किसी से दबने वाला नहीं है। अगर आपको भारत के साथ दोस्ती रखेंगे तभी आपको कुछ फायदा मिलेगा। तो इसलिए वो जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं भारत के साथ मित्रता करने को लेकर बहुत ही एक इंटरेस्टेड हैं और बहुत ही एक्साइटेड भी हैं। इसी के चलते वो भारत को मतलब मोदी को अपने देश में बुलाना चाहते हैं, मोदी जी को, और कहीं ना कहीं भारत के साथ बड़ी डील करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये दिख गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत देश जो है तरक्की कर रहा है और आगे भी यही चलता रहेगा और यही गवर्नमेंट रहेगी। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी जी के ग्रह शनि, जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया दो दो बार, और मंगल जो उनको अनुशासन देता है और इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी देता है, शुक्र और कहना चाहिए बुध की जो युति मोदी जी कुंडली में भाग्य लाभ स्थान में है वो इनको ग्लोबल लेवल पे एक वर्ल्ड वाइड बिग लीडर बनाती है, जो हम बहुत पहले ही कह चुके थे, जो अब ये सबसे बड़े नेता के रूप में बन के उभरे हैं कि ये लोकप्रियता इनकी 2029 तक इसी तरीके से यथावत बरकरार रहेगी। और भारत और अमेरिका के रिश्ते इस बार आपको एक नए ऊंचाइयों पर दिखते हुए नजर आने वाले हैं इस समय। एक सवाल, जब राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो भारत की कमियों को उजागर करते हैं, ये बताते हैं कि भारत में दावा करते हैं, आरोप लगाते हैं कि भारत में रह रहा मुसलमान असुरक्षित है, देश की नई संसद को लेकर बोलते हैं कि ध्यान भटकाने के लिए नई संसद का उद्घाटन किया गया है, तमाम चीज़ें बोलते हैं भारत को लेकर। और जब मोदी जी बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो ताकत का एहसास होता है, ऐसा क्यों? देखिए राजनीति है, वो राजनीति अपने तरीके से है, पक्ष विपक्ष है, और वो एक अलग एंगल होता है कि भाई किस तरह से वो अपनी बात को ज़्यादा बेहतर बताते हैं या अपने सरकार के कार्यकाल को विपक्ष के कार्यकाल से ज़्यादा बेहतर बताती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो अपने समय की चीज़ों को बेहतर बताती है कि हमारे समय पर चीज़ें बेहतर थी, अब उतनी बेहतर है। ये तो एक राजनीति वाली बात होगी। लेकिन अगर ग्रह स्थिति की बात करें, इस समय मोदी जी की कुंडली की बात करें या राहुल जी की कुंडली की बात करें, तो उसमें मोदी जी कुंडली काफ़ी आगे नज़र आ रही है, काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, और इनकी लीडरशिप में जो है 2029 तक तो ग्रह नक्षत्र बड़े पावरफुल हैं कि भाई इनको मंगल की महादशा जो है एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक बहुत बड़ा लीडर बनाएगी। जैसे पहले आप देखते थे कि पहले अमेरिका के फैसलों को तवज्जो दी जाती थी पूरे विश्व में, अमेरिका ने कह दिया तो वो बात
सभी राष्ट्र मानते थे, चाहे वो डर के मानते थे, चाहे दबाव में मानते थे, चाहे सहमति से थे। लेकिन अब वो स्थिति बदल चुकी है। अब भारत के प्रधानमंत्री क्योंकि मोदी जी हैं, तो ग्लोबल लीडर जो है अब नरेंद्र मोदी है। पूरी विश्व की निगाहें जो है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, भारत के ऊपर है। भारत एक बड़ा बिजनेस केंद्र है, जहाँ बहुत बड़ा बिजनेस चलता है और यहाँ जनता बहुत है जो इतनी परचेजिंग करती है, इसलिए बाहर की कंपनियां जो हैं भारत में आके निवेश करती हैं और अपना बिजनेस करना चाहती हैं, और यहाँ तरक्की हो रही है, यहाँ ग्रोथ हो रही है, वहाँ मंदी छा रही है। तो देखिए कितना इम्पैक्ट उन देशों के ऊपर है। तो कोई भी देश इस समय भारत के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, उल्टा भारत के साथ संधि करके अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है और अपने आप को सिक्योर रखना चाहता है, क्योंकि उनको ये भी पता है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री जिसके साथ हैं इस समय, तो वो व्यक्ति विश्व में पावरफुल होगा ही होगा, तो उसको पूरा सहयोग मिलेगा, किसी तरह का कोई संकट उस देश के ऊपर भी नहीं आएगा। इसलिए बहुत से हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, कहीं ना कहीं अब भारत का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, यानी कि भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। चलिए अब ये तो वक्त बताएगा कि अमेरिका जाकर पीएम मोदी कितने बड़े बड़े धमाके अब करने वाले हैं। इसी के साथ मुझे और मेघशिमा जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।